हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आयरन फ्लाई को रिस्क फ्री स्ट्रेटजी किस तरह से बना सकते हो। अब देखिए, जब मैं रिस्क फ्री बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो रिस्क हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपका जो रिस्क है वो एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक कम हो जाएगा, आपका रिस्क बिल्कुल बेयर मिनिमम हो जाएगा। और अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, आपको एडजस्टमेंट की प्रॉपर जानकारी है, तो आप इसको रिस्क फ्री भी बना सकते हो, क्योंकि ये इनबिल्ट हेज स्ट्रेटजीज है जिनको रिस्क फ्री बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनको मैनेज किस तरह से करना है मार्केट में जब एडवर्स मूव आते हैं तब। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी के रिस्क को कम करने के लिए या उसको पूरी तरह से हटाने के लिए एक बेसिक सी समझ है जो आपको पता होनी चाहिए। और वो समझ क्या है, मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी है जिसमें आपका रिस्क है 100 रुपीज़ का, दूसरी है जिसमें आपका रिस्क है 50 रुपीज़ का, और तीसरी है जिसमें आपका रिस्क है 10 रुपीज़ का। तो तीन स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, एक में 100 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एक में 50 रुपीज़ का, एक में 10 रुपीज़ का। तो अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बनाना सबसे आसान होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें रिस्क सबसे कम होगा उस स्ट्रेटजी को हम इजिली रिस्क फ्री बना सकते हैं। यहाँ पे जिस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम लॉस 10 रुपए का है उसको हम इजिली रिस्क फ्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 10 रुपए के लॉस को मैनेज करना है। लेकिन जहां पे रिस्क 100 रुपीज का है उसको रिस्क फ्री बनाना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क है वो ज्यादा है। अगर आप उसको कम भी कर लोगे, आप उसको 60 पे ले आओगे, 50 पे ले आओगे, 40 पे ले आओगे, लेकिन उसको जीरो पे लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा मैथ है कि जहां पे हमारा रिस्क सबसे कम होगा वहां पे हम उस स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बना सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जब हम उस ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, जब उस ट्रेड में हम एंट्री ले रहे हैं, तो तब जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो कम होना चाहिए, तभी हम उस स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बना सकते हैं। तो ये लॉस आपको कम किस तरह से रखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17950 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे अगर हम एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हैं तो किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर ली है और 17950 जहां पे मार्केट ट्रेड हो रहा है यहां पे मैं एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करता हूं। तो इसका मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 17950 का ही मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 135 रुपीज़। 17950 का मैंने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं 300 पॉइंट नीचे जाके और एक हैज बाई करूंगा और 300 पॉइंट ऊपर जाके एक हैज बाई करूंगा, तभी ये एक आयरन फ्लाई बनेगी। अभी ये एक स्ट्रैडल है क्योंकि मैंने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया है। तो यहां से अगर मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं 17650 पे, इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। और उसी तरह से 17950 से 300 पॉइंट में ऊपर जाता हूं और ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, 18250 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैंने बाई कर लिया। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाई कर लिए हैं 300 पॉइंट के डिस्टेंस पे। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे लॉस होगा, मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 4100 रुपीज़ का है और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000 रुपीज़ का। तो ये है एक नॉर्मल आयरन फ्लाई। अब देखिए, इसको रिस्क फ्री बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4100 रुपीज़ का आपका लॉस है इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बनाना है तो आपको जब ट्रेड इनिशिएट करते हो उसी टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका मैक्सिमम लॉस है वो कम हो। तो यहाँ पे 4100 रुपीज़ जो आपका मैक्सिमम लॉस है एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई में, इसको हम कम करेंगे। और कम कैसे करेंगे, आउट द मनी में जाके। देखिए, आयरन फ्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब हम एट द मनी का आयरन फ्लाई ट्रेड करते हैं तो वो सबसे महंगा होता है, सबसे कॉस्टली होता है। जितना आप आउट द मनी में जाओगे उतनी उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को कम करना है तो इसलिए हमें आउट द मनी में जाना है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्शनल बायसनेस है वो आ जाता है कि मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है, आप मार्केट को लेके बुलिश हो या बेरिश हो। लेट्स से आप मार्केट को लेके थोड़े बुलिश हो, तो मैं क्या करूंगा, आउट द मनी में जाके एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट है ये कम करनी है। तो मैं एक दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं, ये मैंने दूसरी विंडो ओपन कर ली है और अब मैं क्या करूंगा, मार्केट 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, इससे मैं आउट द मनी में जाऊंगा और लेट से मैं 18,500 पे जाके और यहां पे आयरन फ्लाई को ट्रेड करता हूं। विड्थ है वो मैं बिल्कुल सेम रखूंगा 300 पॉइंट की। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, 18,500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 18,500 का मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। और इसी तरह मैं 18,500 से 300 पॉइंट नीचे जाऊंगा, 18,200 का मैं एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा और 18,500 से 300 पॉइंट ऊपर जाके और 18,800 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने आउट द मनी की एक आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। और अब आप देखिए, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 2600 रुपीज का है।
तो मैक्सिमम लॉस को मैंने काफी कम कर दिया है। जो स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई थी उसमें 4200 रुपीज का लॉस था, यहाँ पे 2600 रुपीज का लॉस है। तो जब मैंने शुरू किया है ट्रेड को उसी टाइम पे मैंने 1800 रुपीज का लॉस कम कर दिया है। यहां से अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे प्रॉफिट होगा। तो दूसरी बात आप और देखिए, जब आप आउट द मनी के आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होता है। जैसे इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 12,000 रुपीज का है, जबकि जो स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई है इसमें सिर्फ ये 11,000 रुपीज का है। तो फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आउट द मनी की जो आयरन फ्लाई होती है उसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होता है और मैक्सिमम लॉस है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लॉस को कम तो कर दिया जब मैंने ट्रेड को शुरू किया है, लेकिन अभी ये जीरो नहीं हुआ है। रिस्क फ्री किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा व्यू प्ले आउट होगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपीज का, और ये ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू कर देता है तो मुझे लॉस होगा। हालांकि मेरा लॉस है वो काफी कम है, सिर्फ मुझे 2600 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, लेकिन वो भी लॉस है। तो उसको हम किस तरह से हटा सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाता है तो, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपने जो ऑप्शन सेल कर रखे, देखिए ऊपर नीचे तो आपने हेज बाई किया है, लेकिन बीच में आपने 18500 का कॉल ऑप्शन भी सेल किया है और 18500 का पुट ऑप्शन भी सेल किया है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट नीचे जाता है तो यहां पे आपको इन्वर्टेड जाना है। ये जो आपके हेजेज हैं इनको आपको टच नहीं करना है, आपको बस यहां पे इन्वर्टेड जाना है, और उससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस है ये काफी कम हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लेट से मार्केट नीचे जाता है तो मैं क्या करूंगा, 18500 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल कर रखा है इससे मैं नीचे जाके कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18500 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है और उससे नीचे जाके मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूं। तो लेट से अब मैं यहां पे इन्वर्टेड जाता हूं और 18500 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इससे नीचे का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, तो आप देखिए किस तरह के चेंजेस आते हैं। लेट से मैं 18500 से नीचे जाके और 18300 का एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस है सिर्फ 950 रुपीज का है। तो जब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया तब आपका मैक्सिमम लॉस क्या था, 2400 रुपीज का, और अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस आपने और कम कर दिया है 950 रुपीज का। और अगर मार्केट यहां से और नीचे जाता है तो आप कॉल ऑप्शन को और नीचे शिफ्ट करके और इस एरिया को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हो, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे आपका रिस्क भी बढ़ेगा। अब आप देखिए, इस करंट सिनेरियो में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है मेरा रिस्क तो कम हो गया, लेकिन इस तरफ मेरा रिस्क है वो भी बढ़ गया है। तो अब आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है ये 10,000 रुपीज का है, ये मैक्सिमम लॉस है ये बढ़ गया है, लेकिन इस एरिया में आने से पहले मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज से होके गुजरेगा। तो जब मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज से होके गुजरता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और उसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर नीचे जाता रहता है तो आप इस पोजीशन को किस तरह से प्रॉफिटेबल बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन वो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तो आपको करना क्या है, 18300 का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो अगर आप इसको और नीचे शिफ्ट कर देते हो, लेट से आप 18200 पे जाते हो, तो देखिए किस तरह के चेंजेस आते हैं। ये आप देखिए, अब नीचे मार्केट कहीं भी जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट है 600 रुपीज का है। तो जहां पे आपको 2400 रुपीज का लॉस हो रहा था उस जगह पे अब आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब मार्केट कहीं भी जाता है नीचे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवर्स होती है आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन है वो कहां पे है, 18500 पे। तो ऊपर की तरफ भी आपके पास क्वेश्चन है, ऊपर की तरफ भी आपके पास स्पेस है। अगर मार्केट में थोड़ा अपमूव आता है तो आप उसको भी इजिली अकोमोडेट कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट उसके बियॉन्ड आगे जाता है तो फिर आपका रिस्क का ये और बढ़ जाता है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको एडजस्टमेंट्स की जानकारी नहीं है तो ये एडजस्टमेंट आप मत कीजिए। हालांकि कल यानी संडे को मैं जो वर्कशॉप ला रहा हूं वो आयरन फ्लाई के ऊपर ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपके ग्रीक्स क्या होने चाहिए, आयरन फ्लाई में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, और अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो आप वहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर, और साथ ही इसके अलावा एक बोनस स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी। तो ये वर्कशॉप कल कंडक्ट होगी, दैट इज संडे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो देखिए, इस तरह से आप अपनी आयरन फ्लाई को एक रिस्क फ्री या उसके रिस्क को एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक हटा सकते हो। देखिए होता क्या है, आयरन फ्लाई होगी या आयरन कोंडोर होगी, इस तरह की जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज है ये सारी इनबिल्ट हेज के साथ आती हैं।
तो जो भी स्ट्रेटजी इनबिल्ट हैज के साथ आती है वहां पे रिस्क को हम एक मैक्सिमम एक्सटेंड तक कम कर सकते हैं। और जो नए ट्रेडर हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है उनको मैं रेकमेंड भी यही करता हूं कि आप स्ट्रेडल स्ट्रैंगल की तरफ मत जाइए क्योंकि वो ओपन स्ट्रेटजीज हैं। आप शुरू कीजिए आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर के साथ क्योंकि वो इनबिल्ट हैज के साथ आती है और वहां पे आप रिस्क को एक मैक्सिमम एक्सटेंड तक मिटिगेट कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कल मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि आयरन फ्लाई के ऊपर ही होने वाली है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।